हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी 2022-23 का। आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर जो 1964 में विश्वविद्यालय बना है उसका पेपर है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के आपके पेपर होते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का पेपर होता है, कहीं 80 नंबर का पेपर होता है और कहीं 70 नंबर का पेपर होता है। तो जो आपकी JNKV ICR एफिलेट यूनिवर्सिटी, तो आप इंडिया में हमारा कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, इसी प्रकार का आपका भी पेपर आएगा, भला ही आप भारत के किसी भी कोने से हमारे इस वीडियो हो। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, मतलब 50 से 100 शब्दों में उसके बारे में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला बोल रहा है आपके बीज के प्रकार, तो आपको इसमें क्या लिखना है, सिंपल बीज की परिभाषा लिखना है और टाइप्स ऑफ सीड्स, मतलब कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो आपके पाँच, 4 से 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर सीड, इस प्रकार के आपको उनको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड का है आपका पोषक तत्व उपयोग क्षमता, मतलब कि जो आप पोषक तत्व रहते हैं उसको किस प्रकार से उसका उपयोग होता है और किस प्रकार से उसकी क्षमता, इसको ज्ञात कीजिए, उसके बारे में आपको लिखना है। 6th नंबर का, 3rd नंबर का आता है आपका शून्य जुताई, मतलब जीरो टीलेज के बारे में लिखना है। मीडियम टीलेज होती है, जीरो टीलेज होती है, प्राथमिक टीलेज, टीलेज, इन सब के बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। जीरो टीलेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जीरो टीलेज की खोज कब हुई, 1900 शताब्दी में इसकी खोज हुई, ये सब आपको इसमें बताना है। 2nd नंबर का है पौधा आदर्श, पौधा आदर्श क्या है उसके बारे में आपको बताना है। 3rd नंबर का आपका रोल ऑफ एग्रोनॉमी इन क्रॉप प्रोडक्शन, इसको आप बहुत लार्ज लेवल पे भी ले जा सकते हैं, मतलब इसके बारे में आप अधिक लिख सकते हैं। जो फसल उत्पादन में सस्य विज्ञान की क्या भूमिका है, तो भाई बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उत्पादन के लिए, पशुओं के लिए, चारा के लिए, कच्चे माल का प्राप्त करके हम चीनी उद्योग डाल सकते हैं और उस चीनी को विदेशों में हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो ये सब आपको इसमें लिखना है, लगभग 50 से 100 शब्दों में लिखना है। पेपर के साइड में जो आपका नंबर लिखा रहता है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो आप और देख लीजिएगा। सेक्शन बी, इसी में सेक्शन बी है, इसका मतलब आपको प्रत्येक प्रश्न पर 10 अंक है, मतलब ये जो आपका एक क्वेश्चन है ये 10 नंबर का, मतलब आपको एक क्वेश्चन करने पे 10 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं। भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए, भू परिष्करण के प्रकार का वर्णन कीजिए, मतलब जो भू परिष्करण होता है, तो मैंने आपको बताया इसमें सिंपली आपको क्या करना है, भू परिष्करण की परिभाषा लिखना है और भू परिष्करण के प्रकार का वर्णन करना है। जैसे शून्य भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण, भू परिष्करण के पिता कौन थे, भू परिष्करण से संबंधित जो अनुसंधान कार्य है उनमें, जो भू परिष्करण में जो जो यंत्र काम में आते हैं प्राथमिक और द्वितीय, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, लगभग आपको 1 से 2 पेज में तो आपको उसको कवर करना चाहिए और आराम से कवर हो जाएगा। इसी का अथवा जैसे आप 11th 12th क्लास में पढ़ते थे, 10th और 12th में और टाइप रहता है, वैसे ही बी में है आपका, उसी में करना है आपको। पारंपरिक एवं संरक्षण भू परिष्करण में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको भू परिष्करण के बारे में भी लिखना, उसका टाइप भी लिखना, और सेकंड में आपको कंजर्वेशन एंड कंजर्वेटिव टीलेज के बारे में भी लिखना है। 3rd नंबर का आएगा आपका खरपतवार प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए, या आपका 12th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, MP बोर्ड में साथ आया भी था। तो जो वीट का जो कंट्रोल है उसके जो सिद्धांत है उसको लिखना है। आप भौतिक सिद्धांत के द्वारा, रासायनिक सिद्धांत के द्वारा, हाथ से उछकाते हैं, खाई खोदते हैं, जुताई करते हैं, ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं, तो खरपतवार का आप कैसे प्रबंधन करेंगे, भौतिक प्रबंधन, रासायनिक परिवर्तन को नियंत्रित समझाइए, कौन कौन से चौड़ी पत्ती वाले के लिए कौन सा खरपतवार नाशी लगेगा, सक्रिय पत्ती के लिए कौन सा, ये सब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब करना है। 4th नंबर का है आपका डिस्क्राइब द फैक्टर इफिशियंटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, मतलब जो प्लांट्स रहते हैं उनकी ग्रोथ और उनकी ग्रोथ को ना बढ़ने वाले, मतलब कोई प्लांट इतना बढ़ रहा है तो उसे इतने ही बढ़ने देते, इससे अधिक नहीं बढ़ने देते प्लांट रेगुलेटर, मतलब उसके बारे में और प्लांट डेवलपमेंट, इनके बारे में आपको लिखना है, उसके कौन कौन से फैक्टर है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इरिगेशन की आपको परिभाषा लिखना है और सारणी मापदंड एवं सिंचाई की विधियों को समझाइए, मतलब कि जो आपकी ड्रिप इरिगेशन रहती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन रहती है, बहुत से आपके इरिगेशन के टाइप्स रहते हैं और सिंचाई की परिभाषा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी फसल की जल उपयोग क्षमता कितनी आपको, और इसको जितना अधिक डिस्क्राइब कर सकते हो उतना अधिक आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब आपको सिंचाई की परिभाषा लिखना है और उसको सारणी मापदंड एवं सिंचाई की विधियों को समझाना है। 5th नंबर का, 6th नंबर का आपका क्वेश्चन है शाकनाशी वर्गीकरण चयनात्मक एवं प्रयोग के समय पर आधार पर लिखिए, मतलब जो शाकनाशियों का वर्गीकरण है उनका चयन किस आधार पर करना है और उनके प्रयोग का समय और मात्रा और आधार, ये सब आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका एग्रोनॉमी का क्वेश्चन पेपर था जो 50 मार्क्स
का था। अगर आप बोलोगे तो मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।